नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बैतूल हेमंत खंडेलवाल की नामांकन रैली में उमड़ा जन सैलाब। भाजपा में हुआ बैतूल 3.5 किलोमीटर की रैली में आधा सैकड़ा जगह हुआ भव्य स्वागत। जगह जगह तिलक लगाकर आतिशबाजी पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी बनाए गए पूर्व सांसद पूर्व विधायक हेमंत खंडेलवाल की सोमवार 30 अक्टूबर को निकाली गई नामांकन रैली में उमड़े जनसैलाब ने रैली को ऐतिहासिक बना दिया। रैली में शामिल हुए हजारों कार्यकर्ता। जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन से न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड कोठी बाजार तक नामांकन रैली में भाजपा प्रत्याशी श्री खंडेलवाल का लगभग आधा सैकड़ा जगह तिलक लगाकर माला पहनाकर आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर ढोल धमाकों के साथ व्यापारियों सहित नगर वासियों ने भव्य स्वागत किया। रैली का समापन न्यू बैतूल स्कूल ग्राउंड कोठी बाजार में विशाल आम सभा के साथ हुआ। आमसभा को भाजपा प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। बैतूल विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल की नामांकन रैली में विधानसभा क्षेत्र के शहरी सहित ग्रामीण इलाकों के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद थी। नामांकन रैली के दौरान व्यावसायिक क्षेत्र गंज और कोठी बाजार के व्यापारियों, दुकानदारों, कारोबारियों सहित अन्य लोगों ने जगह जगह भाजपा प्रत्याशी हेमंत खंडेलवाल का तिलक लगाकर माला पहनाकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और आशीर्वाद दिया। नामांकन रैली के पहुंचने पर अनेक जगह व्यापारियों ने आतिशबाजी कर रैली का स्वागत किया। विशाल आम सभा के साथ रैली का समापन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, नगरीय निकाय प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि, भाजपा संगठन के पदाधिकारी एवं शहरी ग्रामीण इलाकों के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या ऐसा लगता था आपको कि क्या चीजें छूटी हैं और अब करेंगे? नहीं, बैतूल का हमको विकास में जो चीजें बाकी रह गई थी उसे पूरा करना है। बैतूल एक ऐसी जगह है जहाँ पे चाहे कृषि के मामले में हो, चाहे औद्योगिक मामले में हो, विकास की अपार संभावना है। इन सब को लेके मेरा विज़न है कि मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ूं। और बैतूल का हर नौजवान कहीं ना कहीं अपनी योग्यता के अनुसार काम कर सके, बैतूल के हर क्षेत्र में विकास हो, हर परिवार, हर किसान खुशहाल हो, इसको लेके मैं काम करना चाहता हूँ।